हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सबा ट्वीट्स में। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल गोश्त, दाल और मटन की एक बेहतरीन रेसिपी, जिसे आप भी ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने चना दाल लिया, जिसे 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था। तूर और मसूर का भी दाल और मूंग का दाल हम ले लेंगे। आप चाहें तो इन्हें भी सोक कर सकते हैं। अब हम सारे दाल को एक प्रेशर कुकर में ले लेंगे और इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और हल्दी 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और 4 से 5 सीटी लगने देंगे। अभी दाल जब तक बनेगा, दूसरी ओर मटन तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 750 ग्राम मटन लिया है। मटन बनाने में खड़े मसाले का यूज़ करेंगे। 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1 इंच दालचीनी, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ता ले लेंगे। 3 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इक्वल थिकनेस के स्लाइसेस कर लेंगे। मटन में पाउडर मसाले डालने के लिए हम 2 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार लेंगे। एक प्रेशर कुकर में 150 से 200 ml तेल ले लेंगे। हम यहाँ तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और इसमें खड़े मसाले जो हमने लिया था ऐड कर देंगे। हल्का गर्म होने पे चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे और इसे हल्का ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें 4 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे और अच्छे से मिक्स करके 3-4 मिनट तक प्याज को और रेड करेंगे। प्याज रेड होने के बाद इसमें मटन ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, लहसुन की 10-12 कलियां भी ऐड करेंगे। इससे टेस्ट काफ़ी जायकेदार होता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। टेक्निकली गोश्त को मसाले के साथ भून लेना है। फिर इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। जब भी हम कुकर में सीटी लगाते हैं, पहली सीटी हाई फ्लेम पे और बाकी की सीटियां लो फ्लेम पे लगाते हैं। सीटी लगने के बाद मेक श्योर कि हमारा मटन गल गया हो और फिर 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे। इसमें 3 से 4 हरी मिर्च और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। मटन रेडी हो चुका है। चलिए चलते हैं, अब दाल और गोश्त को मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करने के बाद धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। इतने देर में तड़का लगाने के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। हमने 3 से 4 चम्मच घी लिया और उसमें एक चॉप किया हुआ प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च ऐड किया। आप चाहें तो हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। तड़का लगाने के बाद 2 मिनट के लिए कवर करके रख लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज दाल गोश्त रेडी हो चुका है। इसे दालचा भी कहते हैं। आप भी अपने किचन में इस रेसिपी से जरूर ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सबा ट्रीट्स। Please do like, subscribe and share. Also click the bell icon to get notified for my upcoming videos.